Wow, the hearty style fish fry. Looking so yummy, yummy. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद और आज मैंने अपने घर में ये देहाती स्टाइल फिश फ्राई को बनाया है। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस देहाती स्टाइल फिश फ्राई को बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है और इसे मैंने कैसे बनाया है। देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए और देर नहीं करते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाओ, देहाती स्टाइल फिश फ्राई बनाने के लिए ये मैंने 4 पीस फिश लिए हैं। इसमें मैंने हल्दी, नमक और मस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच डालकर मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दिया था। आइए अब इसमें और एक्स्ट्रा मसाला डालते हैं। सबसे पहले इसमें काला नमक 1 पिंच है वो डाल दूंगी, क्योंकि फिश में काला नमक बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब इसमें चिली फ्लेक्स को डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चिली फ्लेक्स डालें। 1 स्पून लहसुन है, लहसुन इसमें फिश में बहुत ज़्यादा ही पड़ता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा लहसुन डाला है। और ये 1/2 स्पून मसाला है, इसमें मैंने जीरा, सौंफ, काली मिर्च, धनिया और तेज पत्ता डालकर इसे पेस्ट बना लिया है। इसे भी डाल दूंगी और इन सबको अच्छी तरीके से फिर हम लोग मिला लेंगे चारों तरफ से। पहले मैं मिला लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे फिश में मैंने अच्छी तरीके से मसाले मिला लिए हैं। और इधर देखिए हमारा पैन गर्म हो रहा है, अब इसमें 2 चम्मच के आसपास मस्टर्ड ऑयल को डालेंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम लोग फिश को डाल देंगे। और इसे गोल्डन कलर आने तक मीडियम टेम्परेचर पर फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो भी ये फिश जल सकता है और ज़्यादा लो करेंगे तो फिश जल्दी पककर टूट सकता है, इसीलिए मीडियम टेम्परेचर रखेंगे। इसे सावधानी से पलट लेंगे हम। ये अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो कम कर लें। इस तरह सारे हम लोग पलट लें। कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों हमारा ये देहाती स्टाइल फिश। तो बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है हमें चारों तरफ से। इधर ऑयल है उस तरफ वो रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ये गोल्डन कलर होने तक फ्राई हो जाए। इस तरफ भी हम लोग गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा फिश फ्राई हो चुका है। इसे हम लोग पेपर नैपकिन पर निकाल लेंगे, इस तरह सारे अब हम लोग निकाल लेते हैं। ये फिश बहुत जल्दी पक जाता है। आइए अब इसे प्लेटिंग कर लेते हैं हम लोग। देखिए सब फिश मेरा बनकर रेडी है, ये देहाती स्टाइल फिश। अब
इसकी प्लेटिंग हम लोग कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ वीडियो। ये देखिए दोस्तों, मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब बीच में पुदीने के पत्ते से सजा देंगे और इस फिश पर थोड़ा पेरी पेरी मसाला छिड़क देंगे। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वाह, कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों, इसे आप घर पे जरूर से ट्राई करें। हाँ तो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि इसे आप अपने घर पे जरूर से ट्राई करें, ये देहाती स्टाइल फिश फ्राई को, और अपने फैमिली के साथ और बच्चों के साथ इसे एंजॉय करें। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल फूडी अनीता को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पहले एक शानदार वीडियो, इसका फोटो ले लेती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।